टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि दूर के ऑब्जेक्ट को पास करके दिखाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कि स्टार्स, हेवनली बॉडीज को देखने के काम आता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो मोड में काम करता है। पहला, नॉर्मल एडजस्टमेंट, अंडरलाइन करो, नॉर्मल एडजस्टमेंट। वो आपको पेपर में डायग्राम बनाने को देगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बनाओ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अंडरलाइन करो, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो टेलीस्कोप बनाना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो आपने रूल नंबर वन कैसे बनाना है, माइक्रोस्कोप में आई पीस का लेंस बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का छोटा है। टेलीस्कोप में आई पीस का लेंस छोटा है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा है। ये पहला पॉइंट ध्यान से रखना है, उल्टा सीधा मत कर देना। टेलीस्कोप में ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक, नंबर वन। नंबर टू, आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होगा, क्योंकि फाइनाइट में तो हो नहीं सकता, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है तो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आती हैं और यहाँ पे आके मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? एग्जैक्टली अपने फोकस पे। तो पॉइंट नंबर वन, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? एफ ओ। एफ ओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो इमेज बनती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और क्योंकि इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी फोकल लेंथ पे रखेगा। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? एफ सी। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखेगा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो पॉइंट नंबर क्लियर है, वन क्लियर है क्या, कि ये डिस्टेंस एफ ओ है तो ये डिस्टेंस एफ सी है। स्टेप क्लियर है यहाँ तक। ऑब्जेक्ट पीछे है, उसका एंगल यहाँ पर अल्फा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल भी अल्फा है, और इमेज का एंगल यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तो इमेज का एंगल यहाँ पर क्या बनेगा? बीटा। तो ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, इमेज का एंगल बीटा है। टेन अल्फा यहाँ पर क्या बनेगा? अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूँ तो टेन अल्फा बनेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये लो ऐसे। तो टेन ऑफ अल्फा की वैल्यू बनेगी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ, और टेन ऑफ बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय माइनस एफ सी। रेज इधर जा रही है, मैं डिस्टेंस यहाँ का ले रहा हूँ, आप इन्हें डिवाइड करेंगे, टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है। ए डैश और बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा, लिखा हुआ है बुकलेट में, तो आप चेक भी कर सकते हो मैग्नीफाइंग पावर में। मैग्नीफाइंग पावर डिवाइड करके माइनस एफ नॉट बाई एफ सी, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? एफ नॉट प्लस एफ सी। तो लेंस, जो दो लेंस हैं वो आपस में कितनी दूरी पे हैं? एफ नॉट प्लस एफ सी। डायग्राम ड्रॉ करें प्लीज अपनी कॉपी में, रफ में ड्रॉ करें एक बार।
आप यहाँ से पहले ना ये बना ही लिया करो, वो बेटर है। सीधी यहाँ से स्केल से यहाँ खींचा, यहाँ से स्केल से यहाँ खींचा, बात ही खत्म है। अब मैं तो उल्टा ही है, पहले ऑब्जेक्ट इमेज बना ही लेता हूँ, पहले बनाने के बाद ज़्यादा कन्वीनियंट और तो कुछ नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर है, मैग्नीफाइंग पावर भी क्लियर है। इसके बाद अगर पेपर में आ जाए टेलीस्कोप बनाओ एस्ट्रोनॉमिकल फिर से, लेकिन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, इस बार इन्फिनिटी पे नहीं बनाना। और अगर इन्फिनिटी पे नहीं बनाना तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये देखो। सबसे पहले आप रेस को लेके आएंगे, फिर से एफ ओ पे गिरेगी ये, यहाँ से यहाँ एफ ओ तो होना ही होना है, ये एफ ओ तो पक्का ही है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकल लेंथ पे तो गिरेगी ही गिरेगी, मिलेगी मिलेगी फोकल लेंथ पे, पॉइंट नंबर वन। बट इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है यहाँ फोकल लेंथ और इसके बीच में रहेगा, इसके ऊपर मत बना देना, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर आ गया तो इमेज फिर से इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर तुम इनके बीच में कहीं बनाओगे ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, इमेज विल बी जो है वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो आप एफ ई को ध्यान से यहीं कट करना ताकि ये शो कर सको एफ ई और लेंस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रेज निकाल के यहाँ पर मिलाना और ये फाइनल इमेज बनाना। बस फर्क ये है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये तो एफ ओ होगा ही होगा, ये तो एफ ओ ही है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस एफ ओ नहीं है, ये यू ई है, एफ ई नहीं है, ये यू ई है, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, यू ई, और पिछले केस में ये एफ ई था। तो मैग्निफिकेशन इसमें क्या होगी, टेन ऑफ अल्फा, अगर आप कंसिडर करें टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ ओ, और टेन ऑफ बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई माइनस यू ई। और जब आप टेन ऑफ बीटा बाई टेन ऑफ अल्फा करोगे मैग्नीफाइंग पावर, तो आंसर आएगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, नहीं क्या आएगा, यू ई, एफ ई की जगह क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, यू ई। तो ये इस डायग्राम को बना ले प्लीज, इस डायग्राम को बना ले। सबसे बेस्ट है इसे और इसे पहले बना लें प्लीज़, इसको बाद में ना बनाएं, पहले आप यहाँ से यहाँ मिला लें, फिर साथ के साथ पहले ये बना लें, और फिर इसमें से यहाँ से इसको पक्का करें, इसको डॉटेड करें यहाँ से यहाँ तक, इसको पक्का कर दें। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो आपकी इमेज ना हिल सकती है इधर उधर, कि पहले फिक्स कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर मैंने क्या निकाली थी, माइनस एफ नॉट बाई यू ई,
माइनस एफ नॉट बाई यू ही मैग्नीफाइंग पावर है। यहां तक खत्म मत करना, अब ध्यान से आगे। अब ये लेंस आईपीस लिख लें, फॉर लेंस नहीं यहां लिखें, फॉर आईपीस। आईपीस मतलब आंख के पास पड़े हुए लेंस की बात हो रही है। फॉर आईपीस या आई लेंस, इधर देखो, आईपीस के लिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यू ई लादर माइनस यू ई, और ये डिस्टेंस कितना है, वी 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 ई का मतलब माइनस डी। ये कितना है यू ई, ये कितना है डी, रादर दोनों नेगेटिव, यू ई माइनस में डी नेगेटिव में। डी मतलब 25 सेंटीमीटर अमेरिकल में पुट करेंगे। फोकल लेंथ आई पीस की पॉजिटिव है तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करें, माइनस यू ई माइनस डी, सॉल्व करें, वन बाई यू ई आएगा। इस वन बाई यू ई को उठा के यहाँ से रादर वन बाई एफ ई कॉमन निकाल लें तो ये वन हो जाएगा, ये एफ ई हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर इसके इक्वल है, यहाँ पे वन बाई यू ई की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर रिप्लेस कर दें और ये फॉर्मूला बनेगा मैग्नीफाइंग पावर का, नोट कर लें। मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की इसके इक्वल होगी, न्यूमेरिकल में ही काम आएगी। एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड के साथ ही काम चलता है, ऐसे ही काम चलेगा। रीजन, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर हमेशा नेगेटिव ही आती है, साए तो उल्टे बनते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप चाहे टेलीस्कोप, सीधा बनता कौन है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? और अगर नहीं करेंगे तो एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो हम करते ही नहीं, मैग्नीट्यूड में कर लेते हैं। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये जो न्यूमेरिकल शीट थी जो लास्ट टाइम मिली थी, उस न्यूमेरिकल शीट के अंदर ये रहा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें सबसे पहली चीज, नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब एन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एफ नॉट बाई एफ ई। नेक्स्ट है, और लेंथ कितनी है टेलीस्कोप की, एफ नॉट प्लस एफ ई। इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिवीजन में मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला, नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ नॉट बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी यूज करेंगे। और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या बनेगा, एफ नॉट प्लस यू ई, एफ ई की जगह क्या हो जाएगा, यू ई। न्यूमेरिकल नंबर वन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितनी है, वो 100 है, एम 100 है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, अब इन्फिनिटी वाले केस में ऑब्जेक्टिव आई पीस में डिस्टेंस क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई, ये कितना गिवन है, 101, क्योंकि एफ नॉट, क्योंकि इन्फिनिटी वाले केस में एफ नॉट प्लस एफ ई क्या हो जाता है, टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाती है। तो आपको इसकी रेशियो पता है, इन्फिनिटी के केस में आपको इसका सम पता है, आप सॉल्व करके एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपने एक बार मैग्नीफाइंग पावर से रेशियो निकाल ली, एक बार आपने इसका सम निकाल लिया, इन्हें सॉल्व करके एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है, कोई डाउट इसमें? उसी तरीके से टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 100, तो एफ ओ पता है 100। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है, डी पे, यानी कि इन्फिनिटी वाला केस नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड टू लेंसेज 105, तो लेंस में डिस्टेंस क्या होता है, इधर से एफ नॉट, इधर से यू ई, एफ ई की जगह यू ई, एफ नॉट प्लस यू ई कितना, 105, इसके अंदर एफ नॉट कितना, 100, तो यू ई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो आई पीस के लिए यू ई की वैल्यू आ गई 5। क्या निकालना है आपको, आपको फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। अब आई पीस के लिए यू ई कितना आ गया, 5, नेगेटिव हम लेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आई पीस के लिए -5, और इमेज कहाँ पर बन रही है, -25 पे, फाइनाइट डिस्टेंस पे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो बाई डिफॉल्ट डी क्या होता है, 25 होता है, माइनस के साथ वर्चुअल इमेज है, तो डी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, निकाल लेना यहाँ से फोकल लेंथ 6.25। तो लेंस के फॉर्मूले से फोकल लेंथ आ गई, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, एफ नॉट पता है, एफ ई पता है, डी 25 पता है, और एफ ई भी पता है, यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू भी आ गई। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक है?